नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं वायरल एडिटिंग्स। अगर दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से अपनी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी फ़ोटो चूज़ कर लेनी है। आप अपनी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी मॉडल का फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको कटिंग कर लेनी है फ़ोटो को, कुछ इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये अपने आप ही आपकी फ़ोटो को डिटेक्ट कर लेगा। अगर बची खुची मतलब भी थोड़ी सी कोई रह जाएगी तो आपको उसे थोड़ा सा एडजस्ट करके कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा, ये ब्यूटी सेक्शन दिख रहा होगा दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ब्यूटी सेक्शन में जाके आपको स्मूथ का फंक्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको दोस्तों फ़ोटो के बिल्कुल साइड साइड में घुमाना है, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो आपको पीले पीले से धब्बे आ रहे होंगे या वाइट वाइट से, वो सेट हो जाएगा, उससे प्रोफेशनल कटिंग लगेगी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको डिटेल ऑप्शन में जाकर इसको फ़ोटो के ऊपर चलाना है, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो फ़ोटो में क्लैरिटी आ जाएगी और चमक सी आ जाएगी। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको टिक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको फ़ोटो को सेव कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको पिक्सआर्ट के होम पेज पर आकर पिक्स कैनवस पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको 1:1 का पेज साइज़ चूज़ कर लेना होगा, ठीक है। इसको चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको कलर ऑप्शन में जाना होगा। आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से जो कलर उसके ऊपर शूट करता हो दोस्तों, उस कलर को आपको चूज़ कर लेना है। शेप में जाकर दोस्तों आपको पूरे पेज पर उसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, बॉक्स को। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको कलर चूज़ कर लेना है यहाँ पे जो आपको सूट करे, ठीक है। मैं ऑरेंज लाइट चूज़ करूँगा दोस्तों, ये मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा कलर चूज़ करना होगा मेरे को यहाँ पे, जिससे कि आपकी फ़ोटो में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा और डार्क लूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर दूँगा, ठीक है, ऑरेंज, बस ये ठीक लग रहा है, ठीक है। इसको कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि मैं एक लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको नया इन तीन लेयर चूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यू फ़ोटो लेकर ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको आपको पूरी फ़ोटो पर ऐसे छोड़कर इसके ऊपर आपको लेयर पे जाकर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जाकर आपको दोस्तों इसको पूरे पेज के ऊपर इस तरह फिट कर लेना कि ये पूरे पेज पर फिट आ जाए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना होगा, ठीक है दोस्तों। दोबारा से देख लेना बैक करकर, ठीक है। आपको फिर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा दोस्तों, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है ताकि थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सा पंजी से लुक आए, अच्छा सा लगे, ठीक है, रोशनी सी आए, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों कि आपको पेज को सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एम्प्टी लेयर नया चूज़ करना होगा दोस्तों, ठीक है। आपको दोस्तों एक एम्प्टी लेयर चूज़ कर लेना होगा। इससे पहले दोस्तों आपको इन दोनों फ़ोटो को मर्ज कर लेना है, ठीक है। इन दोनों फ़ोटो को मर्ज कर देने के बाद क्या करना है दोस्तों, जो आपने एम्प्टी लेयर लिया है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर आपको एक फ़ोटो लेनी है दोस्तों, जो आपने कटिंग करी थी। आप यहाँ पर दोस्तों अपनी फ़ोटो ले सकते हैं या किसी मॉडल की ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, उसको एडजस्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। उसको एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आप देख लीजिए कि किस तरह से उसको शूट कर रहा है फ़ोटो, ठीक है। मैं बिल्कुल जो पीछे वाइट कलर का रोशनी सी आ रही है, मैं उसके ऊपर रखूँगा इसको थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव सा लगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक न्यू एम्प्टी लेयर चूज़ कर लेंगे, फ़ोटो में जाना है दोस्तों आपको, ठीक है। ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ऐसे आप कोई नेट पर ढूंढ लीजिए या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों लेयर को इसको नीचे को कर लेना, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्म कर कर आपको आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा दोस्तों। आपको सर की तरफ और पैर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा दोस्तों, ठीक है। आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप क्या करना है इसको कि आपको इरेजर की सहायता से इसको पीछे से डिलीट कर देना है। इसको ध्यान से डिलीट करना दोस्तों, मैं फास्ट फास्ट करूँगा, आप सिर्फ देख लेना, ठीक है। आपको 2-3 बार करना होगा दोस्तों, तब जाके ये आपको क्लियर तरीके से आपको ये मिट जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको कम से कम 4 से 5 बार कर लेना इरेज, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको एक इरेज कर देने के बाद दोस्तों आपको करना है क्या कि आप अब एक फ़ोटो को आपको लेयर में जाना होगा, न्यू लेयर चूज़ करनी है दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको कलर चूज़ कर लेना दोस्तों, आप जो कपड़े पाए होंगे दोस्तों, आपने जो कपड़े पहने होंगे
उस हिसाब से आपको कलर चूज़ करना होगा दोस्तों। यहाँ पर जाकर आपको दोस्तों इसको ओवरले पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ओवरले पे आपको जब क्लिक कर दोगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि आपको ओवरले पे ही क्लिक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान से करना होगा, देखिए मेरे से ये गलती से होगा, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से करना होगा, मैं बहुत फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से कर लेना होगा दोस्तों, ठीक है। इसको कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपको जो साइड में देख रहे होंगे दोस्तों, अगर जो बाहर निकल जाता है कलर, ठीक है, उसको आप ध्यान से जूम करके थोड़ा सा आप उसको मिटा देना, ठीक है। इसको बहुत ही आपको ध्यान, तो ये रंग को बहुत ही ध्यान तरीके ध्यान से कर लेना दोस्तों, सावधानी से, ठीक है, बाहर ना निकलने पाए। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से करना दोस्तों, ठीक है। अगर कहीं गलती हो जाती है आप इरेज कर देना, ठीक है। आपको अब दोस्तों आपको कोई एक नया कलर चूज़ कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसको बीच में ट्राई करूँगा, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप अपने हिसाब से कोई भी कलर को चूज़ कर सकते हैं जो दिखने में अट्रैक्टिव हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, पेज को देख लेना आपको दूर से थोड़ा सा नज़दीक करके, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों फ़ोटो काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों अपनी फ़ोटो को आप एडिट कर सकते हैं। आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने होंगे दोस्तों, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना।